ताहिर बिन हमदान ने आज सदर उर्दू एकेडमी के अहदे का जायज़ा हासिल कर लिया। उन्होंने इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए उन्हें ये मौका देने पर साबिक सदर कांग्रेस सोनिया गांधी, इंचार्ज तेलंगाना कांग्रेस उमूर दीपा दास मुंशी, वजीर आला रेवंत रेड्डी, डिप्टी चीफ मिनिस्टर मल्लू भट्टी विक्रमार्का और दीगर से इजहार तशक्कुर किया। उन्होंने कहा कि आवाम के दरमियान कांग्रेस के प्रोग्राम ले जाने की कोशिश पर उनकी खिदमात को तस्लीम करते हुए उन्हें ये ओहदा दिया गया। उन्होंने कहा कि उर्दू के प्रोग्रामों को आवाम के दरमियान ले जाने की मसाई की जाएगी। उन्होंने जोर देते हुए कहा कि तेलंगाना में 6 जमानतों पर अमल आवरी से कांग्रेस की मकबूलियत में इजाफा हुआ है। इस मौके पर सदर नशीन वक्फ बोर्ड अजमतुल्ला हुसैनी, अखिलती मालियती कारपोरेशन के सदर नशीन उबैदुल्ला कुतवाल और दूसरे मौजूद थे। الرحمن الرحيم الرحمن علم القرآن خلق الإنسان عصبان والنجم والشجر يسجدان أرفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين चेयरमैन के होदे पर आज चार्ज लेने के बाद मेरे साथ वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जनाब अजमतुल्ला साहब, माइनॉरिटी फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन हमारे भाई उबैद कोतवाल साहब, हमारा जिला कांग्रेस के सदर मोहन रेड्डी साहब और हमारे बोर्ड के डायरेक्टर लियाकत साहब, उन सबको मेरी तरफ से सलाम और इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया को भी मेरी तरफ से सलाम अलैकुम। सबसे पहले मुझे आज ये चेयरमैन का चार्ज लेने के बाद हमारे रियासत के चीफ मिनिस्टर जो डायनामिक पर्सन खुसूसन उर्दू की भलाई के लिए, उर्दू बोलने वालों के लिए, उर्दू सुनने वालों के लिए आज जो मुझे ये मौका दिए, मैं रेवंत रेड्डी साहब का सबसे पहले शुक्रिया अदा करते हुए उनकी सारी कैबिनेट डिप्टी चीफ मिनिस्टर साहब को भी शुक्रिया अदा करता हूं। साथ ही साथ हमारे ज़िले के जनाब सुदर्शन रेड्डी साहब, एमएलए बोधन और शब्बीर भाई, माइनॉरिटी एससी एसटी बीसी के एडवाइज़र महेश कुमार गौड़, हमारे वर्किंग प्रेसिडेंट एमएलसी डॉक्टर भूपत रेड्डी, हमारे रूरल के एमएलए, उन सब का शुक्रिया अदा करते हुए खुसूसन ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी, आज सोनिया गांधी जी और हमारे स्टेट के इंचार्ज दीपा दास मुंशी जी, उनका भी बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ मैं, क्योंकि कांग्रेस पार्टी में हम सब यहाँ पर तीनों जो बैठे हुए हैं कांग्रेस पार्टी से जुड़कर कांग्रेस पार्टी के प्रोग्राम्स को लेकर आवाम में जाने की जो हम लोगों ने कोशिश की, आज कांग्रेस पार्टी रिकॉग्नाइज कर हमको ये होदा दिए। हम आप सबका खुसूसन उर्दू से जो ताल्लुक रखते उन सबका एडवाइस लेकर हमारे लिमिट्स में जो है उसके पूरे प्रोग्राम्स आपको बताते हुए आवाम में लेके जाएंगे। और आज तेलंगाना रियासत में 6 गारंटी के साथ जो हम आवाम में जा रहे, आवाम की तरफ से मकबूलियत मिल रही, उस मकबूलियत को हम कांग्रेस पार्टी के जानिब से हमारे से जितना हो सके कोशिश करेंगे कि आवाम की खिदमत करने का जो मौका हमें दिया गया वो मौके में खुसूसन मैं अदबन गुजारिश करता हूं, क्योंकि
आप लोगों को शायद ही नहीं मालूम है, मैं आज से 35 साल पहले केशव राव साहब के पास एक जर्नलिस्ट के तहत काम किया स्वाधीन में, लिहाजा खसूसा इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया वालों से मैं अदबन गुजारिश करता हूं, हमको कोऑपरेट कीजिए, अगर हमारे कुछ गलतियां हैं तो भी बताइए, हम सही रास्ते पे चलने के लिए आप लोग हमको मौका दीजिए, शुक्रिया, खुदा हाफिज। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजिबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तियाब है। आपकी उम्मीदों के मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।